पीछे थोड़ा पीछे पीछे सारे पीछे, ऐसी लग गया पैर में चीटी पूरा काट लिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने शोरूम देखा जायसवाल टीवीएस जो प्रेजेंट है भाई कोलकाता में, और इनका कंप्लीट एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नीचे तो एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ, नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ। और यहाँ पे देखो काफ़ी तगड़ी मशीन, मतलब जो आप लोग एनटॉक एनटॉक करते हो, देखो एनटॉक का हम लोगों ने रेड एंड येलो कलर देखा। एक ये मेरे ख्याल से न्यू मॉडल है, न्यू कलर है, 2023 कलर ही बोल सकते हैं इसको, कंप्लीट ब्लू में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइस ब्लू है एंड मैट ब्लैक सेटअप है कंप्लीट। और यार ग्राफिक्स वगैरह सारे ब्लू एंड आपके ब्लैक में दिए गए, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो शूट करें कोलकाता में, और यहाँ पे आने में भाई मतलब कि समझ जाओ ये वाला शोरूम का एड्रेस आपको मिल जाएगा। स्मार्ट एक्स कनेक्ट वगैरह सब कुछ है इसमें, मतलब कि सिर्फ इसका कलर अपडेट हुआ है ना। सारे पार्ट्स जो मतलब कि आपको जो ब्लूटूथ इस पर मिलता था एंड राइडिंग मोड्स मिलते थे, पिकअप वगैरह भी सेम है। और जो रेस एडिशन आपका पुराना वाला आता था सेम, देखो वो ब्लैक वाले एंड रेड वाले पे बना हुआ है। हमारा वीडियो जाकर चेकआउट करना, अभी ये अपडेट हुआ है तो ये अपडेट का वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। और शोरूम के बाहर शूट करें क्योंकि शोरूम के बाहर ही लगा हुआ था, और खुले में शूट करने में भी सही लगता है, पूरा कंप्लीट कलर आपको समझ में आएगा। एंड बारिश भी हो रही है तो बारिश में भी शूट कर ले रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनटॉक जो कंप्लीट, चलो इसका आप लोग पहले सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देख लो, उसके बाद आपको रिव्यू वगैरह ए टू जेड स्टार्ट करते हैं। और ये भैया कितना दिन हुआ आपके पास आए हुए? एक महीना हो गया, मतलब कि ये लॉन्च हो चुका था। देखो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था, मैं भी यहाँ पे खुद पहली बार देख रहा हूँ इस वाले कलर को। तो चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग आज से पहले ये वाली कलर को देखे हो कि नहीं। इसका सिनेमैटिक शॉट्स आप लोग देख लो, फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली आपको सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह पसंद आया होगा। स्टार्टिंग करते फ्रंट से, तो फ्रंट हेड आपको सेम डिज़ाइन का मिल रहा है, लेकिन जो कलर है यहाँ पे देखो कंप्लीट ब्लू जो है, और ये एकदम लाइट ब्लू है भाई। पेपर के नीचे आपको समझ में आएगा जैसे, देखो कंप्लीट और भी पेपर वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ है। एंड चाबी वगैरह भी नहीं लगा है इस पर, तो मैं ऐसे ही शूट कर ले रहा हूँ भाई। और राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स जो टर्न वाले रहते हैं वो आपको देखो हैंडल के ऊपर में ही। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कंप्लीट मिरर्स अभी हटे हुए, तो देखो कैसा लुक आ रहा है कंप्लीट इनका। आते फ्रंट के फेयरिंग पे, तो फ्रंट का फेयरिंग भी देखो यार बहुत ही गजब का लग रहा है। ये जो मैट ब्लैक, मतलब मैट ब्लैक क्या, कार्बन पूरा कंप्लीट जो ब्लैक है ना मैट में, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और ये जो ग्राफिक दिया हुआ ब्लू कलर, मतलब कि यार टीवीएस ने क्या ही कर दिया ये अपडेट लाके, बहुत ही खूबसूरत लग रही है बाइक नहीं स्कूटर। और 125 सीसी की तो आप लोगों को पता है एनटॉक बहुत ही तगड़ी मशीन है स्कूटर्स के मामले में। तो देखो भाई ये आपका मेटालिक पोर्शन में है, ये हल्का सिल्वर पोर्शन में है, ये आपका कंप्लीट मैट ब्लैक पोर्शन में। एंड एनटॉक रेस एडिशन वगैरह ग्राफिक वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है बाइक आप लोग को। और यहाँ पे देखो रेस ट्यून्ड FI वगैरह कंप्लीट, एंड यहाँ पे एक फिन्स वगैरह जो रहता है हल्का कार्बन फाइबर टच में, और यहाँ पे 125 वगैरह ग्राफिक वगैरह इस वाले पैनल पे। बाकी फ्रंट में आपको सिग्नेचर टी लोगो मिलता है जो आपका एनटॉक का, एंड कंप्लीट LED सेटअप में हेडलैम्प है। इस साइड से देखोगे 125 भी पैनल पे लिखा हुआ है, एंड कंप्लीट ग्राफिक देखो। फोक्स की बात करें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक प्रोवाइड किया गया, एंड आइस ब्लू ही समझ लो, आइस ब्लू एंड मैट ब्लैक सेटअप में मडगार्ड सेट आपको दिए गए। फ्रंट का एलॉय व्हील आप देख रहे हो काफ़ी तगड़ा, 100x80 का टायर है, 12 inches का एलॉय व्हील है। फ्रंट का डिस्क हो गया, डिस्क ब्रेक आपको इसमें प्रोवाइड करती है कंपनी। तो एनटॉक भाई ब्रेकिंग्स भी काफ़ी तगड़ी देता है, ब्रेकिंग में बहुत ही सही वर्क करेगा, मज़ा भी आएगा ब्रेक मारने में। और बाकी फ्रंट व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो। सबसे खतरनाक जो मेरे को अट्रैक्ट किया ना, देखो ये रेड कलर एंड येलो कलर तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो आइस ब्लू ही बोल लो, ये कलर जो अट्रैक्ट करना है भाई यार, लिटरली नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन मिला मेरे को इस कलर से। आते के साथ मैं आया था यहाँ पे समझो 2V का वीडियो शूट करने, बट मेरे को ये वाली कलर दिखी तो बोला चलो इसी पे बना लेते हैं। और कम से कम मेरे को 3 बस चेंज करके यहाँ आना पड़ा, तो समझ सकते हो मेहनत कितना लग रहा है बड़े सिटी में आके। और बाकी यहाँ पे पास लाइट वगैरह, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गए, एनटॉक 125 रेस एडिशन का मार्क आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद
आप इस साइड में, ये आपका हजार्ड इंडिकेटर ऑन ऑफ के लिए, ये ऑटो ऑफ ऑटो ऑन मतलब कि किल स्विच ही कह सकते हो, एज अ किल स्विच ये वाला वर्क करता है। ये वाला कंप्लीट पन्नी हटानी पड़ेगी भाई आप लोगों को दिखाने के लिए। और बाकी यहाँ पे इग्निशन वगैरह और मीटर बिल्कुल सेम है पहले जैसे ही, कुछ मीटर में अंतर नहीं है। दो मोड्स जो मिलते थे आपको, सिटी एंड स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड वगैरह, वो सब दिए हुए हैं। उसके बाद फिर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है इसमें, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देगा, हेलमेट रिमाइंडर भी रहता है इसमें, रिकॉर्ड वगैरह भी रहता है, सेट वगैरह। तो मतलब ए टू जेड जितना फीचर आपको मीटर के रिगार्डिंग मिलता था सेम है, एज सच मीटर में कुछ चेंज नहीं किया गया। सो ये हो गया मीटर वगैरह का रिगार्डिंग। बाकी बाइक में आपको भाई 125 सीसी की तो स्कूटर है ही, सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, एयर कूल, फ्यूल इंजेक्टेड, 9.38 पीएस का पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क वगैरह आपको मिलता है, 5.8 लीटर्स का टैंक है। एंड कंपनी क्लेम करती है 50 किलोमीटर तक चलेगी भाई, तो आप भी समझ सकते हो। और बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग है, ब्लूटूथ तो बताया मैंने फीचर्स के रिगार्डिंग, और फ्रंट में डिस्क है ये भी एक बहुत बड़ा बात है भाई। डायमेंशंस की तो थोड़ी बहुत अगर बात कर ले तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको अराउंड 155 mm का मिलता है। एंड जो बूट साइज वगैरह है उसमें आपको बहुत ही तगड़ी स्पेस वगैरह मिलती है, तो डिक्की वगैरह भी तो खोल नहीं सकते कि हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो समझ सकते हो यार थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को बाहर शूट करने में, क्योंकि बाहर में यार लोग समझ जाओ उस टाइप का आपको अट्रैक्शन देते नहीं, लेकिन तब भी चलता है भाई। हम तो मेहनत करेंगे भैया, हम मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आप लोग के लिए भी इतना करेंगे अभी। यार देखो दो चीज़ होगा यार, कंप्लीट पहले पैर में चीटी काटा है, कंप्लीट बारिश में आया यार, एक पार्ट ये देखो ये कंप्लीट भींगा हुआ है, तब भी वीडियो बना रहे हैं ना समझो, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही कि रिजल्ट भी चलो ठीक ही आ जाता है, लेकिन तभी छोटा टाओ। और यहाँ पे आप देखो कैरी बैग वगैरह आप ऑप्शन 3 kg का आपका अराउंड यहाँ पे आप लोग समझो हैंग कर सकते हो, स्पेस काफ़ी सही मिलेगा। मेरा हाइट है अराउंड 5'11" 6 ft है, तो मैं भी आराम से ही बैठ जाऊँगा यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीट की बात करें अच्छा खासा वेल्ड कुशन सीट है, स्पेस भी तगड़ा दिया हुआ है, कंप्लीट ये देखो आइस ब्लू फिनिश जो नीचे दिया हुआ है, सिल्वर टाइप में फिनिश एंड मैट ब्लैक फिनिश, एंड उसके बाद कार्बन फाइबर टच थोड़ा बहुत यहाँ, और फुटपैक्स वगैरह हो गए जो लॉक हो जाएंगे, और CVTi RE वगैरह का मार्क, एग्जॉस्ट कंप्लीट ब्लैक है, एंड फैन जो इसका वो रेड कलर में, जैसा आप लोग यहाँ पे देखो रेड कलर में आपको फैन वगैरह दिया हुआ है। सस्पेंशन की बात करें सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन है, उस साइड आपका 110/80 का टायर है, 12 inches का एलॉय व्हील है। रेयर सेक्शन इसका काफ़ी सेक्सी है भाई, क्योंकि रेयर सेक्शन में टेल लाइट वगैरह आप देखोगे ना काफ़ी सही दिया हुआ है। और इस पोर्शन की बात करें कंप्लीट एंटॉक का मोनोग्राम मिल जाता है आपको, एंड रेस एडिशन वगैरह का मार्क, 125 वगैरह का मार्क यहाँ से, कंप्लीट ग्राफिक जो चालू होती है, कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश, कंप्लीट आइस ब्लू फिनिश इस साइड, एंड इस साइड भी देखो यार कंप्लीट खूबसूरत बहुत लगती है। स्प्लिट आपको ग्रैब हैंडल दिए हुए रेयर में आपको, जो सिग्नेचर टेल रहता है एंटॉक का सेम, एंड राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स आप लोग जान ही रहे हो। बाकी फुटपैक हो गया लेडी फुटपैक, आपको किक साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों दिया हुआ है। टायर्स इसके काफ़ी तगड़े हैं भाई, अच्छे खासे आपको ग्रिप भी देते हैं, और चलाने में तो आप लोग से बेहतर मतलब मेरे से बेहतर आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग एंटॉक वगैरह ओन करते हो तो। बाकी यहाँ पे देखो कंप्लीट कार्बन फाइबर टच है, एंड यहाँ पे फिन्स वगैरह भी आपको दिए हुए हैं, और TVS वगैरह का बैचिंग वगैरह। तो पूरी अगर बाइक की बात करें, स्कूटर की बात करें, ओवरऑल तो बहुत ही तगड़ी मशीन है। प्राइसिंग वगैरह भी आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे क्या प्राइस पड़ रहा है। बाकी आप लोग यहाँ से एक बार लुक देखो यार, क्या खूबसूरत लग रही है बाइक, लिटरली बहुत ही सही लग रही है यहाँ से। और खुले एरिया में शूट कर रहे हैं, शोरूम का कोई वैसा दिक्कत नहीं, शोरूम में थोड़ा मतलब भीड़ है यार, तो कोई शूट मतलब कि बाहर ही कर लिए, छोड़ो हटाओ उतना क्या बोले। और स्कूटर अपने जगह में बहुत ही तगड़ी मशीन है। एंटॉक्स का तो आपको पता है अपडेट बहुत ही आया, ये 125 है, उधर स्पाइडी एडिशन मतलब मार्वल एडिशन जो नया आया था, फिर उधर देखोगे XP वगैरह, पीछे रेस एडिशन वगैरह, यहाँ पे आपको थॉर एडिशन वगैरह। तो स्कूटर्स एंटॉक के बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स लाए हैं, अपडेट भी अच्छे खासे हुए। और बाकी अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये वाला आइस ब्लू एंड मैट ब्लैक फिनिश वाला आपको कैसा लगा। सो इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 111,430 rupees है इस वाले एंटॉक 125 रेस एडिशन ब्लू कलर का। और ये ब्लू कलर मैं पहली बार देख रहा हूँ, बाकी अगर मेरे से भूल चूक होती है कि ये वाली मॉडल पहले आ गई थी आप ऐसे कह रहे हो, तो यार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे सही कर देना यार प्लीज़, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं। बाकी बाइक कहाँ पे अवेलेबल है तो जायसवाल TVS, जैसा आप लोग देखो यहाँ पे कंप्लीट इनका नंबर वगैरह दिया हुआ है, A to Z आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो बनाने भी मिल गया हमें। तो चलो वीडियो हम लोग करते हैं अब एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए हो एक बार चैनल विजिट करना भाई। और TVS वगैरह का जो एंडॉक रहता है उसमें आप लोग कमेंट करते हो कि वीडियो बनाओ, तो ये वाली वीडियो आप लोग के लिए। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।